and he is Kittu. No, it's Jwalaj. And today we are going to take the interview of Mr. Raghuram. So, आपका स्कूल में रोल नंबर क्या था? पहले रुक जाओ, मेरे से स्माइल करके तो मीठी बातें कर लो, मेरे को बहुत डर लग रहा है. नहीं सीरियसली, मेरे को स्कूल में तो बहुत मेरी हालत ख़राब थी, और ये जो एक ब्लैक बोर्ड टाइप का ले आए हैं, और ये मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि मेरी फिर कुछ गलती होने वाली है, और मेरे को कमरे से बाहर निकाल लोगे. फ़र्क है कि मेरा घर मुझे कितना बुरा लगेगा, अपने घर से बाहर कर दिया जाऊँगा बेवकूफ़ी के लिए. तो अपने बारे में आप बताइए कुछ. 1974 में एक औरत थी आंध्र प्रदेश में, उनका नाम था वेंकटा सुब्बम्मा. उनके बारे में ऐसा बोला जाता था कि उनके ऊपर आत्मा चढ़ती है, और जब उन पर आत्मा चढ़ती थी वो ना अलग आवाज़ में बात करती थी. तो 1974 में उन्होंने मेरे दादाजी को देख के बोला था कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं. ये मेरे पैदा होने से 1-1.5 साल पहले की बात है. अजीब सी बात है ना. तो उस वजह से मेरा नाम राम और लक्ष्मण, हमारा नाम राम और लक्ष्मण मेरे दादा ने रखा. मेरे पापा ने हमारा नाम रघु और राजीव रखा. सरनेम नहीं है ये हमारा. हमारा सरनेम एक बहुत ही सीक्रेट अनप्रोनाउंसेबल चीज़ है. अच्छा मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर बोल पाओ तो. अम्बड़पुरी. अम्बड़पुरी ये मेरा सरनेम है. मेरा पूरा नाम है रघु राम अम्बड़पुरी. ये किसी को नहीं पता. आप हमेशा स्क्रीन में इतने गुस्से में क्यों रहते हो? मुझे पता था मेरे को डांट पड़ेगी इस बारे में. मगर ऐसा तो नहीं है मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ, मैं लोगों से प्यार से भी मिलता हूँ. वो क्यों नहीं याद रखते लोग? क्योंकि आप 90% तो गुस्से में रहते हो और 10% ही स्वीट. तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. क्यों? आपको आपको ज़्यादा स्वीट रहना चाहिए. गुस्सा करना बहुत बुरी बात है बेटे, मगर गुस्से की काबिलियत रखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, वरना लोग ना तुम्हारा उल्लू बना सकते हैं. मेरे आपको मारते नहीं है स्कूल में? नहीं, लड़के नहीं. लड़के और लड़के मारते नहीं आपको? नहीं, हम लड़कों को मारते थे. तो देखा, तभी मेरे को दिख गया था वो बुली वाला. मेरे स्कूल में बहुत मारते थे लड़के, और 9th तक मारते थे मुझे. फिर मैं लंबा हो गया थोड़ा, और मैंने गुस्सा करने की का पोटेंशियल दिखाया, तो लोग थोड़े पीछे. हमारे मॉम डैड हमें रोडीज नहीं देखने देते. क्यों? क्योंकि आप उसमें अब्यूज करते हो. किसने बोला? हम तो बोल रहा है यार, हम तेरे तू क्या, हम काम कर रहे हैं या कोई बैंक लेके बैठे? तू हमें ठगेगा है? हमारा फेम देना ज्यादा 10 साल से बना रहे शो. ये ले बम पड़. अच्छा ठीक है. हाँ, आप ऐसा शो कब बनाओगे जिसे हम भी देख सकें कुछ? पर बच्चों का होना चाहिए. हाँ हाँ, तुम बच्चे हो. बच्चे तो हम भी हैं. थे मतलब अभी भी मैं. अब तो बड़े हो गए. क्यों, लंबा हो गया कद में इसलिए? नहीं मतलब अब स्कूल तो नहीं जाते हो? स्कूल तो मैं तभी भी नहीं जाता था. बंक ज़्यादा मारता था, तभी तो यह हाल है मेरी. आपकी फेवरेट टीवी होस्ट कौन है? तो एक लड़की है सुगंधा करके, वो अब नहीं करती है. पहले फॉक्स चैनल पे 2 ट्रैवल शो कर चुकी है, और मुझे बहुत पसंद है वो. और लड़कों में मुझे रणविजय बहुत पसंद है. We googled you and found out. No! हाँ, and found out what? कि बचपन में राजीव अंकल को थप्पड़ पड़ता था तो अंकल किसको बोला बे? You can call me Raghu and Rajiv, it's fine. अंकल राजीव को थप्पड़ पड़ता था तो आपके गाल में दर्द होता था. Is it true? कभी कभार होता था. And अभी भी ऐसा होता है क्या? आपको थप्पड़ नहीं मारता बेटे, हाथ तोड़ देंगे हम. आपका हेयर स्टाइल किससे इंस्पायर्ड है? मेरा हेयर स्टाइल इंस्पायर्ड है बेटे, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे तुम कहीं? क्योंकि मैं सीरियसली जवाब देने वाला था. नहीं, मेरा हेयर स्टाइल अक्षय कुमार से बहुत वो है इंस्पायर्ड. वो रख नहीं पाता वो अलग बात है, बट इंस्पिरेशन वहाँ से है. आपने इंडियन आइडल जाके ऑडिशन दिया था, क्या हुआ?
हुआ था उधर, मेरे को जलील करके बाहर फेंक दिया उन्होंने। क्यों? I need to do this before I sing it. आज जाने की जिद ना करो। मेरे को एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। सिंगिंग की प्रॉब्लम है? नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम इन माय बॉडी। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ इट। अच्छा। बदतमीजी से बोले। बदतमीजी नहीं थी। His tone was rude। इसको लगा था कि ये ऑलरेडी स्टार है एक्चुअली। Everybody is opening themselves up to get rejected। उसका फायदा उठाना और उनको बेइज्जत करना is not cool। ये बात अब तमीज से भी कह सकते थे। अब सबको मजा आ रहा है कि भैया हाँ रघु की रघु को लात मार के भगाया। हाँ बड़े मजा आया मेरे को लात खाने में भी और बाहर निकलने में भी, क्योंकि जो फराह खान जी हैं, जो सोनू निगम जी हैं, अनु मलिक जी हैं, अब मैं उन्हें जानता हूँ, उनके साथ काम भी किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि मैंने उनके साथ ऐसा मजाक किया, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हुआ। Okay, now we'll test your GK. No, please. मैं already sorry बोलता हूँ। मारोगे तो नहीं मुझे? नहीं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या करोगे? मेरे को डांटना मत प्लीज, मेरे को बहुत हो गया डांट खा के। Okay, please. All right. So, who is the RBI governor? Of which country? India. Obviously, RBI तो इंडिया ही होगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो। एक है एक आदमी, वो फालतू में फेमस होने के चक्कर में मेरा नाम लिया हुआ उसने, ऐसा कुछ नहीं, रघुराम राजन नाम है उनका। है ना? Okay. है ना? आपका नाम तो किसी से हो नहीं सकता क्योंकि ज्वालज नाम रखता ही नहीं कोई अपने बच्चों का। है ना? गूगल पे भी किसी को नहीं आया। इफ एट मैन टुक 10 आवर्स टू बिल्ड अ वॉल, देन हाउ लॉन्ग वुड 4 मैन टेक? 4 मैन टेक टू बिल्ड दैट वॉल, बट दैट वॉल इज ऑलरेडी बिल्ट। यस। So, now, what is the capital of Afghanistan? ये trick question है, Kabul. Oh no, very good. It's You're not right. I am right. It's Kabul. Yay. So, मेरे को अब होना चाहिए स्कूल में, मैं उस बच्चों की भी पिटाई कर सकता हूँ। हैं? अब मेरे को कोई मारेगा नहीं और मेरे को आंसर्स भी आते हैं। I'm going to school now. Which is the lowest body of the earth on? Lowest body of water on earth. Which is the lowest water body on earth? I could be wrong. कहीं Dead Sea तो नहीं? Yes. मैं गया हूँ Dead Sea. I have been there, Jerusalem में है। और वहाँ पर आप डूब नहीं सकते। वहाँ पानी में minerals और salt का इतना ज़्यादा concentration है। Actually Dead Sea is not a sea. It's a big pond actually, और a lake, big lake. It's so big कि आपको दूसरा साइड बहुत मुश्किल से दिखता है, इट्स लैंड लॉक्ड डेड सी, मगर वहाँ फिर भी लाइफगार्ड होता है, जहाँ पर आप डूब ही नहीं सकते, साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, वहाँ भी लाइफगार्ड होता है। पता क्यों? क्योंकि आप मर सकते हो वहाँ पर, अगर आपने वो पानी पी लिया तो बहुत प्रॉब्लम है। और जहाँ आपके शेव करते कुरते कुछ भी छोटे मोटे कट्स आ गए ना खेलते कूलते, वो सब पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कटा है उस पानी में जाते ही। देखा, मैंने पढ़ाई नहीं की स्कूल में, मगर मैंने ट्रैवल किया है तो आंसर मुझे आते हैं, और वो भी उस तरह से जो जाके पता चले। सो थैंक यू मिस्टर रघुराम। थैंक यू फॉर पास करने के लिए, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी। अभी मैं जाता हूँ मम्मी पापा को बोलता हूँ कि मम्मी आज एक टेस्ट हुआ था, मैं पास हो गया, 20 साल लेट लेकिन अक्कल आई है मुझ में, मैं किसी काबिल हूँ। ओके, थैंक यू। स्कूल के बच्चे इकट्ठे थे तो बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन मैं बहुत देर तक दिखे ही नहीं मैं कहाँ हूँ। मुझे जिस चेयर पर मैं बैठा था नीचे से वो चेयर निकाल दी उन्होंने, तो मैं ऊपर से ऐसे उसी चेयर के साथ गिरा और फिर बहुत पिटाई की मेरी उन्होंने।